अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। सीए और एनआरसी के लिए जो कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है उसके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन चलाया हुआ है, उसी की कड़ी में मैं रांची आया हूं, लोगों से बात कर रहा हूं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं सीए एनआरसी क्या है। और इस आंदोलन में हमें साझा मंच झारखंड का साथ मिला है और हम लोगों ने, एजाज साहब ने, तमीर साहब ने ये वादा किया है कि और सहयोग करेंगे ताकि हम आंदोलन जो है इसको कैसे आगे बढ़ाएं। कोई भी आंदोलन हमारा अधिकार है करने का, लेकिन वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, जिसमें हिंसा का कोई भी स्थान नहीं है। एक अच्छे दिन, एक अच्छे मौके पे रांची में हूं और बहुत खुशी हो रही है कि जैसा कहा जा रहा था कि एनआरसी और सीए का जो झूठ है जिसमें खुद बीजेपी की सरकार और बीजेपी की पार्टी फंस चुकी है, उसकी शुरुआत यहां झारखंड से हो रही है। और आज झारखंड में एक नई सरकार आने का ऐलान होने जा रहा है, जिसमें मैं हेमंत सोरेन साहब को और रामेश्वर उरवा साहब और लालू प्रसाद यादव जी का मेहनत का नतीजा है कि ये रिजल्ट आया है। लालू प्रसाद यादव जी जेल में हैं, मैंने मिलने की कोशिश की थी पर शायद कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, शनिचर को ही मिलते हैं, मुलाकात होगी, मैं फिर शनिचर को आऊँगा। लालू प्रसाद यादव जी के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उसको पूरा देश देखता है और झारखंड ने भी इस बात को महसूस किया, तभी शायद जो है इतना बड़ा बहुमत पूरे जेएमएम और उनके सहयोगों को मिल रहा है, उस बात को कोई इनकार नहीं किया जाता। तो एक इतिहास को देखने में यहाँ है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो एम्प्लॉयज हों, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जिस तरह से सीए एनआरसी को लेकर गुस्सा है, उस बात को महसूस करके ही सरकार को अपने कदम पीछे हटाए जो है। प्रधानमंत्री जी ने कल वहां पे रामलीला मैदान में ये भी बात रखी थी कि कोई भी डिटेंशन सेंटर इंडिया में कहीं नहीं, ये बात हुई थी उन्होंने। और बहुत सी आर्टिकल्स हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ, बहुत से वीडियो हैं। गोपालापुर डिस्ट्रिक्ट आसम में 3,000 लोगों के लिए डिटेंशन सेंटर के लिए 45 करोड़ रुपया रिलीज हो चुका है और वहां पे कार्रवाई हुई। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जुलाई में ही नोटिफाई किया था कि हमने जमीन खोज ली है, देवेंद्र फडणवीस साहब जो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त। कर्नाटका हाईकोर्ट में गवर्नमेंट ने अपने बयान में ये कहा है कि डिटेंशन सेंटर बनाए जाने के प्रोसेस चल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और हम इस चीज को अपने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की जीत मानते हैं, पर शायद अभी रुकने का टाइम नहीं है। लोगों में जो कंफ्यूजन है, डर है, भय, उसको खत्म करने का टाइम है। हम चाहते हैं सरकार सिर्फ भाषण ना दे, क्योंकि जो कुछ मुझे, जहां तक मैं कॉमन मैन हूं, तो मुझे यहां लगता पता है कि जो भी लोकसभा के अंदर कहा जाता है वो एक तरह से वैधानिक और लीगल उसकी वैलिडिटी होती है। और जब सीए भी पास हो रहा था तो उसी लोकसभा में हमारे होम मिनिस्टर ने, हालांकि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री वहां नहीं थे, अमित शाह जी ने इस बात को क्लियर किया था कि यस, हम एनआरसी पूरे देश में लागू करना चाहते हैं।